गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो गाइस, अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और अभी मैंने ब्रश भी कर लिया और आज मैंने खाया था नाश्ते में दूध, क्योंकि मेरे को दूध बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज पीती हूँ दूध। दूध को खाते हैं क्या पीते हैं? तो क्या हो गया? जानू तो खाती है दूध को। चबाते भी तो है। अरे अभी फटाफट से स्कूल चलते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। बाकी सारा व्लॉग आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और अभी दोपहर के बजे है दो और अभी मैं यूनिफॉर्म चेंज करूंगी, फिर खाना खाऊंगी और आपको बात भी बताऊँ। एक हमारे घर में शादियों की तैयारी चल रही है। इसलिए मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, इतना कुछ खरीदूंगी और अब तक जो मैंने खरीदा है वो भी आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। और अभी फटाफट से यूनिफॉर्म चेंज कर लेती हूँ, फिर खाना खाऊंगी, फिर चलेंगे शॉपिंग करने, फिर पापा के पैसे खर्च करवाऊंगी। हाँ, खाऊंगी। हाँ, आधा घंटा वेस्ट करूंगी। हाँ, ट्यूशन नहीं जाऊंगी। ट्यूशन तो जाऊंगी। पेपर चल रहे हैं। कल किसका पेपर है? यस, साइंस तैयारी तो है। परसों मैथ्स जीके का है। चलो फटाफट से खाना खाओ, फिर चलो शॉपिंग करने। शॉपिंग करने मम्मी। बाहर जाके ही बुलाना पड़ेगा। चलो जय श्री राम। चलो क्या कह रही है मम्मा? हाँ। हमने क्या बनाया? हमने आलू, गाजर, मटर और बस। और क्या? फिर आप खाना खा लो, आप फिर बाजार चलते शॉपिंग करने। तो गाइस, यहाँ मैं हो चुका हूँ तैयार। यहाँ मम्मी ने मुझे लंच दे दिया, लंच मैंने कर लिया है और यहाँ दूध का गिलास मम्मी ने मुझे दे दिया है। और अभी मम्मी और जानू कहाँ जाने के लिए तैयार है? कहाँ जाना है? शॉपिंग करने। भाई ये तो पूरा खर्चा करवा के ही मानेंगे आज। तो अभी मम्मी को मैं लेके जा रहा हूँ, जानू और मम्मी को मार्केट में। थोड़े दिन, हर महीने तेरे कपड़े आते हैं। एक महीना भी नहीं हुआ अभी कपड़े लेके दिए थे। चलो भाई अब चलते हैं मार्केट में, मार्केट में करेंगे शॉपिंग, जानू की सुंदर सुंदर ड्रेस लेके आएंगे, ठीक है? तो गाइस अभी जा रहे हैं मार्केट में। आज आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे कि आज कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस हम जानू के लिए लेके आ रहे हैं। क्यों जानू? तो गाइस यहाँ गुड़िया ने ड्रेस पसंद कर ली है। ड्रेस दिखाओ जानू अपनी, दिखाओ। तो जानू ने ये ड्रेस पसंद किया और जब जानू ये ड्रेस डालेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। कैसी लगी आपको ड्रेस? बहुत अच्छी। कैसी लग रही है मम्मी? अच्छी लग रही है। तो भाई जानू ने ये ड्रेस ले ली है मैरिज पे डालने के लिए, तो पैक करवा लें क्या? लॉन्ग ब्लेजर वाली पैक करवा लें अब है? तो भाई पैक कर दो भैया जी। तो गाइस मार्केट से आने के बाद जानू को हमने भेज दिया था ट्यूशन, अब जानू आ चुकी है। अब जानू जो जो शॉपिंग करके आई है वो सब आपको दिखाएंगे। दिखाएं जानू? हाँ। है ना? यस। ठीक है अभी दिखाते हैं। मेरे को भी नहीं दिखाया इसने तो। नहीं दिखाया? ना। अब दिखाते हैं आपको भी। तो भाई अब जानू ने क्या क्या शॉपिंग की थी अभी दिखाएंगे आपको। चलो ये तो बता दो जानू, शादी किसकी है जो इतनी सारी शॉपिंग हो रही है? जब शादी में चलेंगे तब बताऊंगा।
मैंने भी ले लिया अपना सामान। चेशु ने भी सामान ले लिया है, तो अभी बताना नहीं है क्या? मतलब ये सस्पेंस में रखना है क्या? अच्छा, मतलब सस्पेंस में रखना है कि अभी जानू का मन नहीं है कि किसकी शादी है, बताना नहीं है, है? Yes. तो और भाई, ये देखो, ये जानू के तीन तीन जोड़े आप देख सकते हो, अभी दिखाते अच्छे से दिखाते हैं ना। ये देखो, एक कलरफुल ये जानू के शूज। अच्छा, मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे जानू ने सेल लगा दी है जूतों और बैली की, जूते और बैले की सेल लगा दी है, तो एक एक करके दिखाएगी जानू। yes. दिखाओ जानू, पहले है ये देखो मेरे सारे जूते, वेरी गुड। ये जानू के शूज और ये बैले, ये शूज और ये दोनों शूज, ये दोनों शूज एंड एंड ये दोनों बैले। अच्छा, ड्रेस कौन सी लाए थे आप आज, वो भी तो दिखाओ ना। वो और क्या दिखाते हैं, ये देखो। वाह, कैसा लगेगा मेरे ऊपर, कैसा लगेगा? और बेल्ट, बेल्ट बहुत प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा। और ये इतनी बड़ी पजामी जानू की ड्रेस सुंदर। वो ली जो ड्रेस लेके आए थे, हाँ? कौन सी वाली? वो तो एक पिंक कलर की फ्रॉक थी, स्काई पिंक, और ऊपर जैकेट थी। वो ब्लेजर टाइप के लेके आए थे, वो वापिस आए? हाँ। अच्छा, क्योंकि बटन बंद करने का कुछ था नहीं और कोई डिजाइनर डिजाइनर नहीं था, इसलिए। कोई बात नहीं, ये ड्रेस भी सुंदर है, ये तो घर पे पहनने के लिए लाया। अच्छा, ये घर पे पहनने के लिए लाए हो? हाँ। मतलब अब ये और डिमांड रहेगी आपकी आपसे तो मतलब अभी डिमांड रह रही है, मुझे तो लगा सारी डिमांड होगी पूरी। तो भाई, वहाँ पूरे पैकिंग चल रही है जानू की, और यहाँ आपको दो या तीन दिन में हम एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देंगे, वो भी का पैसा। वही दो दिन में आपको पता लग जाएगा कि किसकी मैरिज है। क्यों चेशू? यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज लाई हूँ मैं। तो गाइज, अभी आपने देखा कि हमारे घर में शादी की तैयारी चल रही है, बहुत सारी शॉपिंग चल रही है, और आप देख ही सकते हो कि बेड पर पूरा जूतों का भंडार लगा हुआ है, और यहाँ मतलब चारों तरफ कपड़े की पैकिंग चल रही है। तो भाई, दो दिन में आपको पता लग जाएगा कि शादी किसकी है और किस चीज़ की तैयारी चल रही है। अभी बहुत सारे मतलब हमने शॉपिंग करनी है, अभी मैंने तो अपने लिए कुछ लिया नहीं, कल जाएंगे, कल जानू चलेगी मेरे साथ। अच्छा, मतलब खुद ने तो सारा कुछ ले लिया, अब जब मेरी बारी आई तो कहाँ पर है ना चेशु, चलेगी ना मेरे साथ कल? है कहाँ भी चलेगी, पहले मेरी बाबू इतना मेरे को बता, मेरे को शॉपिंग नहीं करवाओगे? मैंने तुम्हारे को इतनी सारी शॉपिंग करवा दी, अब मेरे को कौन करवाएगा? मैं। है मैं। फिर करवाओगे ना कल? हाँ। यार अच्छे से बताते हैं। कल जानू मुझे अपने पसंद के कपड़े दिलवाएगी, है ना? दिलवाएगी जो आपके ऊपर जचेगा, जो मेरे ऊपर जचेगा। क्या लेना चाहिए चेशु मुझे? आप तो टी शर्ट पैंट ही पहनते हो। इतनी सर्दी में टी शर्ट कौन डालता है? पानी पहनते हो तो टी शर्ट तो ले लेना। तो गाइस, अभी कल मुझे मेरे लिए भी बहुत सारे कपड़े लेने हैं, तो कल करेंगे बहुत सारी और शॉपिंग। तो आज के लिए इतना ही, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।